Welcome back, my dear kid, with another chapter of our science book by Brain Root series. The name of our book is Science Spark Class 1. आज हम अपना chapter number 8 start करेंगे. हमारे chapter का नाम है Good Habits, अच्छी आदतें. तो चलिए आज हम अच्छी आदतों के बारे में पढ़ेंगे. In this chapter, we will learn about keeping clean and healthy. Keep your home and surrounding clean. इस chapter में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए start करते हैं अपना chapter. First, we will do warm up. सबसे पहले हम warm up exercise करेंगे. Circle the objects that you need to keep yourself and your surrounding clean. यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपको उन पर सर्कल करना है, जिनकी मदद से आप सुरक्षित रहते हैं, साफ रहते हैं और अपने आसपास भी साफ सफाई रखते हैं. सबसे पहले पिक्चर है टॉवल की. यस, वी नीड अ टॉवल टू कीप अस हेल्दी. नहाते हैं तो नहाने के लिए हमें क्या चाहिए? टॉवल चाहिए. इसी तरीके से आप बाकी सब पिक्चर्स को, ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे और जो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, किस लिए? अपने आप को और अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए, उस पर आप सर्कल करेंगे. एवरीवन लाइक्स अ चाइल्ड हु हैज़ अ गुड हैबिट. सबको वो बच्चा अच्छा लगता है जिसमें क्या है? अच्छी आदतें हैं. यू शुड हैव द गुड हैबिट of keeping yourself clean. आप सब में एक अच्छी आदत ये होनी चाहिए कि आप अपने आप को क्या रखें? क्लीन, साफ रखें. You should also help to keep your surrounding clean. आपको अपने surrounding clean मतलब आसपास की जगह को भी क्या रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए. जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं या जो भी जगह आपके आसपास है. Now we will learn keeping clean and healthy. हम कैसे साफ और हेल्दी मतलब तंदुरुस्त रह सकते हैं. Let us read about some good habits. चलिए कुछ good habits पढ़ते हैं. We must take bath every day with soap and water. हमें रोज नहाना चाहिए. किससे? साबुन और पानी से. आप सब रोज नहा के स्कूल जाते हैं ना? Yes, I know. आप सब गुड हैबिट्स हैं. आप Yes, I know. आप सब अच्छे बच्चे हैं. आप रोज नहा कर स्कूल जाते हैं. We should wipe our body with clean towel and wear clean cloth. नहाने के बाद हमें अपने शरीर को पोछना चाहिए, साफ तौलिए और क्या पहनना चाहिए? Clean cloth, साफ कपड़े पहनने चाहिए. We should wash our hand before and after eating. खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले हमें अपने हाथ wash मतलब धोने चाहिए. We should trim our nails regularly. हमें रोज अपने नाखून काटने चाहिए. We should have proper toilet habits. We should wash our hand with soap and water after visiting the toilet. बच्चों, हम सब में proper toilet habits होनी चाहिए. जब भी आप toilet use करें तो आपको क्या करना चाहिए? अपने hands wash करने चाहिए. We should clean our ears with earbuds. हमें अपने कान साफ करने चाहिए. किससे? Earbuds से. आप सब बच्चे छोटे हैं तो आप अपने ईयर्स को क्लीन कराने में अपने बड़ों की मदद लेंगे. अपने आप अपने ईयर्स क्लीन नहीं करेंगे. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ऑयलिंग मेक्स आर हेयर स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी. बालों में रोज तेल लगाने से क्या होगा? आपके बाल स्ट्रॉन्ग मजबूत बनेंगे और शाइनी, उनमें क्या आएगी? चमक आएगी. We should brush our teeth twice a day, once in the morning and once at the night before going to bed. हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और रात को सोने से पहले.
We must rinse our mouth with water after we eat something. बच्चों कुछ भी खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, मुंह में पानी भरकर मुंह साफ करना चाहिए। जब भी आप मीठा खाएं तो आपको ज़रूर कुल्ला करना चाहिए। We should oil our hair regularly. Use a clean comb to comb your hair. बच्चों हमें रोज़ अपने बालों में तेल लगाना चाहिए और कंघी करने के लिए हमें क्या यूज़ करनी चाहिए, क्लीन कॉम, साफ कॉम यूज़ करनी चाहिए। नेवर पोक योर नोज़, इंस्टेड ब्लो इट कीपिंग अ हैंडकरचीफ। आपको कभी भी जुखाम लगा है तो आपको क्या करना चाहिए, हैंकी यूज़ करना चाहिए नोज़ को साफ करने के लिए, हाथ से साफ नहीं करनी चाहिए। डू नॉट लिक योर फिंगर्स आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद फिंगर्स को लिक, उंगलियाँ नहीं चाटनी चाहिए, ये बहुत गंदी हैबिट है। ऑलवेज कवर योर माउथ एंड नोज विद अ हैंकरचीफ व्हाइल कफिंग और सीजनिंग। जब भी आपको खांसी आए या छींक आए तो आपको अपनी नोज और अपने माउथ मुंह को किससे ढकना चाहिए, हैंकरचीफ, रुमाल से। नाउ टाइम टू टेस्ट योर स्किल्स, कंप्लीट द फॉलोइंग। वी मस्ट टेक बाथ, हमें नहाना चाहिए। वी मस्ट टेक बाथ डेली, DAILY डेली। वी शुड वॉश आर, हमें धोने चाहिए, आर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद और पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए। नेक्स्ट थ्री यू विल डू बाय योरसेल्फ, कीप योर होम एंड सराउंडिंग क्लीन, अपना घर और आसपास की जगहों को साफ रखना चाहिए। कीप योर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद उनको सही जगह पे रखना चाहिए। जैसे आप अपने टॉयज से खेले हैं तो ये नहीं आप उसको खेलने के बाद कहीं भी छोड़ दें, नहीं, आप खेलने के बाद अपने टॉयज को उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखिए। स्कूल से आते हैं, अपना बैग, अपनी स्कूल ड्रेस प्रॉपर प्लेस पे रखिए। डू नॉट थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और चॉकलेट रैपर ऑल अराउंड, थ्रो देम इन द डस्टबिन, कागज के टुकड़े, चॉकलेट खाई, टॉफी खाई और उसके छिलके इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए, हमें उन्हें कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन के अंदर। देखिए कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालिए। डू नॉट राइट ऑन द टेबल्स और वॉल, हमें मेज कुर्सी दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए। टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूज, जब भी टूटी या नल का काम हो जाए तो उसे बंद कर दें, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए बच्चों हमें। फ्लैशबैक, चलिए फ्लैशबैक में लेके चलते हैं आपको। You must follow good habits, हमें good habits अपनानी चाहिए। Brush your teeth twice a day, दिन में दो बार अपने टीथ ब्रश करिए। Take a bath every day, keep your nails short and clean. Now time to do exercise, अब हम कुछ exercise करते हैं। Take right the correct option, सही option पे राइट का निशान लगाइए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ, कितनी बार ब्रश करते हैं हम, दो बार, कब, वीक, मंथ, डे और फॉर्टनाइट, डे, हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए। बाथिंग कीप्स यू, जब आप नहाते हैं वो आपको क्या करते हैं, ड्राई, डर्टी, क्लीन एंड सैड, नहाने से हम क्लीन, साफ रहते हैं। नंबर थ्री, द क्लॉथ वी वियर शुड बी, जो कपड़े हम पहन रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, कलरफुल, ऑल एक्सपेंसिव या क्लीन, कपड़े हमेशा साफ पहनने चाहिए। नंबर फोर, वी शुड कीप आर नेल्स, हमें अपने नाखून रखने चाहिए, लॉन्ग, बिग, शॉर्ट या कलरफुल, हमेशा हमें
शॉर्ट छोटे नाखून रखने चाहिए. नाउ एक्सरसाइज बी, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपको सही आंसर को चूज करना है और ब्लैंक खाली जगह पर लिखना है. टू रिमेन डैश वी नीड टू स्टे क्लीन. तो क्या इल या हेल्दी, हमें क्या रहने के लिए अपने आप को साफ रखना चाहिए. टू रिमेन हेल्दी, एच ई ए एल टी एच वाई, हेल्दी. नंबर टू, यू शुड यूज अ डैश हैंकरचीफ टू ब्लो योर नोज. जब आपको अपना नाक साफ करना है तो आपको कैसा हैंकी यूज करना चाहिए. क्लीन, सी एल ई ए एन, क्लीन. यू शुड नॉट राइट ऑन आ, हमें कहाँ नहीं लिखना चाहिए, नोटबुक पे या वॉल पर. तो करेक्ट आंसर है वॉल, दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए. द लास्ट वन, द डैश टॉयलेट आफ्टर यूज, टॉयलेट के बाद क्या करना चाहिए, फ्लश या राइंस, हमें टॉयलेट के बाद उसको फ्लश करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो बच्चों आप अच्छे से एक बार अपना चैप्टर फिर से रीड करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर सी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग, सही मिलान कीजिए. सोप, नेल कटर, टूथब्रश एंड वेस्ट पेपर, ये चार चीजें हैं, इनको सही से मिलाना है हमें. सोप, सोप से क्या होता है, बाथिंग, टीथ, डस्टबिन या नेल. सोप से हम करते हैं बाथिंग, नहाते हैं. नेल कटर, नेल कटर किस लिए यूज होता है, नेल कटर हम यूज करते हैं अपने नेल्स को ट्रिम करने के लिए, नाखून काटने के लिए. नंबर थ्री एंड नंबर फोर यू विल डू बाय योरसेल्फ. सो माय डियर किड्स, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न सो मैनी गुड हैबिट्स, बहुत सारी अच्छी आदतें हमने सीखी. आप सब भी अच्छे बच्चे हैं और आप सब गुड हैबिट्स को फॉलो करेंगे. स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.